उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में एक बार फिर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने भैंस चोर गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया। इन पर एक युवक की गोली मारकर हत्या करने का भी आरोप है। पुलिस मुठभेड़ में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। फिलहाल पुलिस ने इलाज के लिए दोनों बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस ने इन बदमाशों के पास से एक एक तमंचा, 7 जिंदा कारतूस, 5 खोखा कारतूस और एक बाइक बरामद की है। एक चौराहे पे जब चेकिंग हो रही थी, दो बाइक सवार युवक वहां से जा रहे थे, पर रोकने की पुलिस ने कोशिश की तलाशी है, तो उन्होंने ना रोकते हुए वो आगे बढ़े और वहीं से जो है वो पुलिस के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की फायरिंग में वो दोनों जो लड़के हैं वो घायल हो गए हैं। प्राथमिक उपचार हेतु उनको डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भेजा गया था।